एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंक उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करके उसका बेटिंग हाउस में बेट करने चला जाता है और ये न्यूज फैल गया होता है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारे लोग तमाशा देखने पहुँच गए होते हैं। वहीं पर फैंक को दिखाते हैं जो कि दो रो की तरफ इशारा करके उन दोनों को कोई भी स्टोन चुनने के लिए कहता है। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से कन्फ्यूज होकर पूछते हैं कि क्या ये ठीक होगा। फैंक कहता है हाँ मुझे विश्वास है कि तुम दोनों ब्लेस्ड हो। वहीं पर ऊपर वाले फ्लोर से वो सभी कुछ देख कर जवांग कहता है कि ये मैच तो मैं ऐसे जीतने वाला हूँ। तभी फैंक को दिखाते हैं जहाँ वो लोग 12 स्टोन को चुन लिए होते हैं और उसे ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहां पर जुआंग आते हुए कहता है कि मैं उन्हें खुद ही ओपन करूंगा। और वो जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए पहले स्टोन को खोलता है, लेकिन रिजल्ट देखकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है क्योंकि उसमें से स्प्रिट आयरन निकल गया होता है। वो देखकर वो जल्दी से फैंक को देखकर सोचने लगा होता है कि कहीं वो फेज स्टोन मास्टर तो नहीं है ना। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर फैंक टोटल 2 स्प्रिट आयरन और 7 क्रिस्टल ओपन कर लिया होता है। वहीं पर जे देखकर जुआंग को बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा होता है कि वो फेज स्टोन मास्टर है। तभी फैंक उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जुआंग गैम्बलिंग हाउस सच में काफी ज्यादा जेनरस है, सिर्फ कुछ रैंडम स्टोन को चुनने पर ही मैं मालामाल हो गया हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप मुझे अभी भी कंटिन्यू करने देंगे या फिर कंटिन्यू नहीं करने देंगे। गुस्से में इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि तुम सिर्फ लकी थे और मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। इसीलिए फैंक स्टोन गैम्बल करना जारी रखता है और इसके 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर रिजल्ट देखकर जुआंग का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। और वो रिजल्ट ये होता है कि फैंक 653 स्टोन को चुना होता है जिसमें से 11 स्प्लिट आयरन निकला होता है और 500 से ज्यादा क्रिस्टल निकला होता है। वो जानकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर वैसा रिजल्ट देखकर जुआंग को भी अपने आंखों पर विश्वास हो ही नहीं रहा होता है, लेकिन उसे विश्वास करना ही पड़ता है। और वो सोचते हैं कि इस कॉमन एरिया में इतना सारा स्प्रिट आयरन और इतना सारा क्रिस्टल था मुझे पता ही नहीं था। ये सोचकर अब वो उसे रोकने के बारे में सोचता है। ये सोचकर फैंक जितना भी ट्रेजर ओपन किया होता है वो सब वो फैंक को देते हुए उसे वापस जाने के लिए कहने लगता है। फैंक वो सब लेकर कहता है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अब जबकि मैंने सारे स्टोन को ओपन कर लिया है तो अब इन सभी बेकार स्टोन को चेंज कर दीजिए, नहीं तो वो आपके रिपोर्टेशन के लिए ठीक नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि क्या इसका मतलब 10,000 से ज्यादा स्टोन गार्बेज है, इसका तो ये मतलब है कि वो हमें चीट कर रहा है। वहीं पर वैसा सिचुएशन देखकर जुआंग उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो। ये सुनकर फैंक सभी लोगों से बोल देता है कि मैंने कहा ना ये वेस्ट है तो इसका मतलब ये वेस्ट है। ये बोलकर वो सभी लोगों को चैलेंज करता है कि अब जो भी इन रो स्टोन में से एक भी क्रिस्टल को निकाल देगा तो मैं उसे खुद 100 क्रिस्टल दूंगा। उसका वैसा चैलेंज सुनकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी स्टोन को खोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक भी स्टोन नहीं निकलता है, इसीलिए सभी लोग दूसरे गैम्बलिंग हाउस में जाने लगे होते हैं। ये देखकर जुआंग का हालत और ज्यादा खराब हो जाता है और वो रोने लगा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं अपने एंसेस्टर को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तभी फैंग उसे ये बोलकर वहां से जाने लगा होता है कि हो सके तो मैं दोबारा आ सकता हूं। ये सुनकर जुआंग उसका पैर पकड़कर कहने लगा होता है कि प्लीज दोबारा मत आना। फैंग उन दोनों को लेकर जाते हुए कहता है वेल तुम ही स्टार्ट किए थे। इसके बाद साइलम किंगडम के कोर्टयार्ड को दिखाते हैं जहाँ पर फैंक जाकर आराम से बैठा होता है और आराम कर रहा होता है और वो दोनों उससे बातें कर रही होती है और उसका काफी ज्यादा तारीफ भी कर रही होती है। तभी फैंक को उसका गिफ्ट के बारे में याद आता है और वो उन दोनों को एक एक स्प्रिट वेपन देता है। वो देखकर वानसिन पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक और आइस एट्रीब्यूट वाला स्प्रिट वेपन है। ये सुनकर फैंक समझ जाता है कि वो यूनियन के लिए मांग रही है, लेकिन उसका ग्रज उसके साथ खत्म हो गया होता है इसलिए वो उसके लिए मान जाता है और कहता है हाँ मेरे पास एक और है जो कि मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगडम का ग्रैंड टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है और तभी वहाँ पर एम्परर आकर कुछ स्पीच देकर टूर्नामेंट को स्टार्ट कर देता है। वहीं पर शैलम किंगडम के लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर उनके डीन उससे कहते हैं कि किंगडम का फ्यूचर अब तुम लोगों पर ही है, क्या तुम सभी लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो। वो सभी लोग काफी ज्यादा जोश में कहते हैं हाँ हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, लेकिन तभी वहाँ पर शिवन किंगडम के लीडर जी हान आकर हुआ यून लांग यानी कि डीन का मजाक उड़ाने लगा होता है क्योंकि उन दोनों में कुछ पुरानी दुश्मनी होती है। इसलिए वो सब अपने बारे में सुनकर डीन कहते हैं कि तुम्हारा किंगडम भी ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, क्यों ना एक मैच हो जाए। उसका जवाब देते हुए ची हान कहते हैं कि तुम अभी मेरे किंगडम को चैलेंज करने के लिए वर्दी नहीं हो, पहले क्वालिफिकेशन हासिल कर लो फिर मुझे चैलेंज करने के लिए आना। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसकी बातें सुनकर यूनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन डीन उसे शांत करते हुए कहते हैं कि वो लोग कुछ भी गलत नहीं बोले हैं, हमारा किंगडम अभी लोअर मिडिल क्लास का किंगडम है, पहले हमें मीडियम मिडिल क्लास को हराकर मीडियम मिडिल क्लास का बनना पड़ेगा, तब जाकर हम अपर क्लास का शियोन किंगडम को चैलेंज कर पाएंगे। ये बोलकर वो जाकर लॉटरी को ड्रॉ करने चला जाता है जहां पर उनका अपोनेंट यूयू किंगडम होता है जिससे फाइट करके वो लोग काफी आराम से उन्हें हरा देते हैं। वो देखकर यूयू किंगडम वालों को उनके पावर पर यकीन हो ही नहीं रहा होता है। तभी अनाउंस किया जाता है कि शैलम किंगडम जीतकर मीडियम ग्रेड में प्रमोट हो गया है और यूयू किंगडम लोअर ग्रेड में डिमोट हो गया है। इसके बाद वो लोग उन्हें चैलेंज करने चले जाते हैं जहां पर उन्हें देखकर ची हान उसे मॉक करते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी क्वालिफिकेशन हासिल कर लोगे। ये बोलकर वो अपने स्टूडेंट से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे अकेले हरा दोगे। उनकी बातें सुनकर यूनियन कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि वो लोग
ज्यादा दिखावा कर रहे हैं। डीन उसे शांत करते हुए कहता है कि वो बंदा ऑलरेडी एंसेस्टर लेवल में पहुंच गया है। वहीं पर उससे फाइट करने के लिए फैंग हाओ जाता है, जिसके लिए उसके सभी लोग उसका काफी ज्यादा चीयर अप करने लगे होते हैं। उसे जाता देखकर ची हान कहता है कि मार्शल स्पीड का अर्ली स्टेज वाले को भेज रहे हो, लगता है कि तुम्हारे किंगडम के पास और कोई है ही नहीं। इसका जवाब देते हुए फैंग उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई और है नहीं, बल्कि तुम्हारे किंगडम से डील करने के लिए मैं ही अकेला काफी हूँ। ये सुनकर उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसके अटैक को काउंटर करने के लिए फैंग भी अपना सोर्ड से हमला कर देता है, जिससे उसका स्फीयर ही कट जाता है, जिससे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका संभलने देने से पहले फैंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका खेल ही खत्म हो जाता है। ये देखकर जेहान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, तो वहीं पर जे देखकर उसके लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर वैसे रिजल्ट देखकर जूनिंग भी काफी ज्यादा हैरानी से सोचती है कि हालांकि उसका लेवल मुझसे काफी ज्यादा कम है, लेकिन उसका पावर मुझे भी सरपास कर दिया है। इसके बाद फिर से स्टेज को दिखाते हैं, जहां पर फैंग अगले वाले को बुलाता है, इसलिए उसका दूसरा ओपोनेंट जाता है और उस पर हमला कर देता है। उससे काउंटर करने के लिए फैंग भी अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। वहीं पर उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि उसका की में फायर और आइस दोनों में फील कर पाया था, लेकिन ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है ना। तभी फैंग अपना ग्रेविटी वाले स्किल का यूज कर देता है, जिससे उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर वो किस तरह का स्किल का यूज कर रहा है। लेकिन तभी फैंग फिर से उस पर हमला करके उसका खेल ही खत्म कर देता है। ये देखकर उसके बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर फैंग अगले वाले को बुलाता है। वो सब देखकर ची अहम सोचता है कि कहीं उसका मतलब उसका की का प्योरिटी हाईएस्ट ग्रेड का तो नहीं है ना। ये सोचकर वो अपने डिसाइपल से कहता है कि संभल कर रहना, उसका की कोई आम की नहीं होगा। ये सुनकर वो बंदा चाहता है और जाकर काफी ज्यादा स्टाइल दिखाने लगता है। वो देखकर फैंग सोचता है कि लगता है कि ये परेशानी खड़ा कर सकता है। ये सोचकर वो अपने क्लीन वाला आर्म को निकाल देता है, जिससे देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहने लगे होते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर तो नहीं है ना। वो देखकर उसका ओपोनेंट के भी फटने लगा होता है। वहीं पर सभी मैचेस को देखकर एम्परर बोर होते हुए कह रहा होता है कि कोई भी मजा नहीं आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल पहले के जैसा ही बोरिंग है। लेकिन तभी उसकी नजर फैंग पर जाती है, जिसे देखकर वो उसे इंटरेस्टिंग लगता है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि क्लीन का पावर का यूज करके अटैक करता है, जिससे उसका ओपोनेंट का हाथ ही टूट जाता है और वो बंदा चैंग वाली स्टेज पर जाकर फेंका जाता है। और चैंग फैंग को देखकर कहता है कि वो अपने मॉन्स्टर वाला हाथ का यूज कर लिया है। वहीं पर फैंग को देखकर एम्परर उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। इसके बाद वहीं स्टेज पर दिखाते हैं, जहां पर उसका पावर देखकर ची हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोचने लगा होता है कि मुझे डर है कि उसका पावर एंसेस्टर के थर्ड इननेट रियलम जितना हो गया होगा। उस मॉन्स्टर से फाइट करने का मतलब अपने लोगों को मौत के कुएं में भेजना होगा। ये सोचकर वो लोग हार स्वीकार कर लेते हैं, जिससे साइलम किंगडम जीत जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी उसके दोनों गर्लफ्रेंड जाकर उससे गले लगकर कहने लगे होते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा फियर्स थे। फैंग उनसे कहते हैं कि तुम ज्यादा घबराओ मत, ये सिर्फ एक सीक्रेट टेक्निक है, मैं तुम लोगों पर फियर्स नहीं होऊंगा। वहीं पर वो रिजल्ट देखकर और उसका मॉन्स्टर आर्म को देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उसी के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फैंग को दिखाते हैं जहां पर वो जाकर डीन को हायर रैंक वाले किंगडम को चैलेंज करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि एक एक स्टेप करके लेना चाहिए, हाई किंगडम बनने के लिए वेनरेट लेवल का होना चाहिए, अगर हम जल्दबाजी में चैलेंज करके हार जाएंगे तो हमारा हालत और ज्यादा खराब हो जाएगा। वहीं पर हायर ऑफिशियल को दिखाते हैं जहां पर वो लोग भी फैंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एम्परर कहते हैं कि मेरे हिसाब से वो डायरेक्टली सेंट किंग माउंटेन में भेजा जा सकता है। इसके लिए सभी लोग मान जाते हैं और हाँ कहने लगे होते हैं, लेकिन एक हायर ऑफिशियल कहता है कि पहले उसे फाइट करने दीजिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर वो कितना दूर जा सकता है। अगले सीन में चैंग को दिखाते हैं जो कि फैंग के पास जाने लगा होता है, लेकिन तभी वो दो ब्यूटी को उसके साथ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगा होता है कि मैं भी तो इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग क्यों नहीं मिला है। ये सोचकर वो अपने मन में रोने लगा होता है। तभी उससे अपने तरफ आता देखकर डीन उससे कहता है कि अगर तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो तो फ्रंट डेस्क के पास जाओ। वो देखकर फैंग कहता है कि वो मेरा दोस्त है, ये बोलकर वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। इसलिए वो काफी ज्यादा प्राउड के साथ अपने बारे में बताने लगता है और बताकर कहता है कि मैं भी सिंगल हूँ। और मैं उसका बात को पूरा करने से पहले फैंग उसे पीटते हुए कहने लगा होता है कि वो सब तुमसे कौन पूछ रहा है। वहीं पर उसका बात सुनकर डीन थोड़ा सा हैरानी से कहता है कि लुआ यू किंगडम तो हाई क्लास मीडियम रैंक का किंगडम है ना। चैंग उसके फैक्ट को सही करते हुए कहता है कि वो पहले था, लेकिन अब वो अपर रैंक में प्रमोट हो गया है। ये सुनकर वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि पूरे डायनेस्टी में सिर्फ 10 ही अपर रैंक के किंगडम है, इसका ये मतलब हो सकता है कि ये बंदा कोई रेयर जीनियस होगा। तभी चैंग फैंग से कहता है कि तुम्हारे पावर से भी कोई मैच नहीं कर सकता है, सिर्फ उन 7 पावरफुल फैमिली को अवॉइड करना और उन्हें अवॉइड करके तुम बाकी को चैलेंज करके आराम से हाई क्लास का किंगडम बन सकते हो। इसलिए फैंग डीन को इसके लिए राजी करवाने लगता है, इसलिए वो मान जाता है और उससे कहता है कि अगला चैलेंज में सिर्फ तुम ही कम्पीट कर सकते हो, इसलिए क्या तुम कॉन्फिडेंस हो। फैंग कहता है मैं बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ। इसलिए डीन अपना अगला ओपोनेंट को चुनने जाता है, लेकिन कुछ सोचकर वो चैंग से कुछ पूछने लगता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।